बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सुर्खियों में बने हुए, उन पर भरोसा करने वाले जहां उन्हें चमत्कारी बाबा सिद्ध कर रहे हैं, वहीं उनके विरोधी बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए हमलावर हैं। फिलहाल न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक पर जंग छिड़ी हुई। बाबा के पक्षधर आरोपों को सनातन पर हमला करार देते हुए उन्हें हर तरह के समर्थन का दावा कर रहे, वही विरोधी खेमा भी चुप नहीं है, वो भी लगातार हमलावर है और बाबा के चमत्कार पर सवाल खड़ा करते हुए उन्हें सबके सामने सिद्ध करने की चुनौती दे रहा है। रोज नई नई बहस छिड़ रही है जिससे माहौल में भी गर्मी आती जा रही है। एक संत पर हो रहे हमलों को लेकर प्रसिद्ध तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के संत क्या कहते हैं, इसे लेकर आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने कुछ संतों से बात की। आइए आप भी सुने उनके विचार क्या है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कथा व्यास अमित शास्त्री ने क्या कहा। मेरा कहना भैया ये है कि जो परम पूज्य बागेश्वर धाम का और बालाजी की कृपा है, वो संसार को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए प्रयास चल रहा है। और जब सनातन धर्म को कोई भी व्यक्ति, वो परम पूज्य व्यास हैं और हम सब उनकी श्रेणी में चल रहे हैं, अगर वो इस संसार को जगा रहे हैं, हिंदुत्व को जगा रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए विरोधी गण उन्हें परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। उसके साथ ही हम सब व्यासों का और ब्राह्मणों का और पूरे हिंदुत्व का समर्थन उनके साथ है और बालाजी से ही प्रार्थना करेंगे कि जो भी विरोधी गण हैं उनका कुछ क्षण के लिए उन्हें कभी परास्त न कर पाए, क्योंकि परास्त कर ही नहीं पाएंगे जब उनके ऊपर स्वयं बालाजी की कृपा है और वो हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं और जहाँ तक कोई भी आवश्यकता लगेगी पूरा व्यास उनके साथ में, समर्थन के साथ में, उचित भाव से उनके साथ में रहेगा, ऐसा भाव है। और जब जब सनातन धर्म पर कोई उसको जगाने का प्रयास करता है या उसे ऊपर लाने का प्रयास करता है तो विरोधी गण जो है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। अभी कोई फिल्म निकले ना तो उस पर कोई भी विचार नहीं सोचेगा, उसका समर्थन कर देंगे, लेकिन हाँ हिंदुत्व की बात है तो उसके समर्थन के लिए लोग अपने आप को पीछे ढकेलेंगे, लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं है। हिंदुत्व को जगाने के लिए बालाजी की कृपा से अब सब उनके समर्थन में हैं और आगे भी रहेंगे। हम पूर्णतया उन पर, बालाजी पर विश्वास है और समर्थन भी है, और जितने लोग हम सबको मिलेंगे भी ये दूर तक समाचार जाएगा, ऐसा मेरा भाव है। आपका नाम? मेरा नाम अमित भाई शास्त्री है, नैमिषारण्य से हूँ मैं, और पूरे नैमिषारण्य की ओर से मैं यही चाहता हूँ कि जो भी है उनके ऊपर में कोई भी ऐसा भाव न हो पाए और हम सबका पूर्ण पूर्ण समर्थन बागेश्वर के धाम पर है। बोले बालाजी सरकार। तीर्थ नगरी के प्रतिष्ठित कालीपीठ के पीठाधीश गोपाल शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा को साधारण मनुष्य नहीं मानते। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जय माता दी। क्योंकि बागेश्वर धाम के ऊपर जो इस समय हो हल्ला चल रहा है, ये अनैतिक चल रहा है। बाबा जी के ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है, यह कृपा आज से नहीं चली आ रही, अनादि काल से चली आ रही है। बहुत से ऐसे सिद्ध संत हुए हैं, जैसे नैमिषारण्य में ही मौनी बाबा हुए, ऐसे असंख्य साधु पुरुष, संत पुरुष हुए हैं जिनकी जीवा से जो शब्द निकलता था वो पूर्ण हो जाता था। जो भी आज तक अवतार हुए हैं वो साधारण मनुष्य के ही रूप में हुए हैं। कोई भी साधारण मनुष्य यह नहीं बता करके आता है कि मेरे अंदर कौन सा रूप है, मैं परमात्मा हूँ। हो सकता है बागेश्वर बाबा सरकार के जब वो बोलते हैं तो साक्षात हनुमान जी ही बोलते हैं। सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की वो पताका लहरा रहे हैं और जो हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मांतरण करके अन्य धर्मों में जा रहे हैं, उनको वो वापस लेकर के आ रहे हैं। निश्चित ही यह एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। मैं सहर्ष कालीपीठ संस्थान मंदिर ललिता देवी परिवार से श्री बागेश्वर धाम जी का पूर्ण समर्थन करता हूं और उनके विरुद्ध हो रहे सभी
क्रियाकलापों का मैं विरोध करता हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सनातन धर्म हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। ओम नमो नारायण। बाबा धीरेंद्र शास्त्री की क्षमताओं पर सवाल उठाने वाले या बवाल मचाने वाले सनातन विरोधी हैं, ये कहना है बड़ी छावनी के महंत मनमोहन दास का। आप भी सुने वह क्या बोले। ये जो बवाल मचाने वाले हैं, ये हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, खिलाफ नहीं हैं। और हम समझते हैं कि जहाँ तक है सनातन धर्म की बात है, जो भी महापुरुष, चाहे उभरता हुआ हो, चाहे बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, सनातन धर्म को लेकर के जो आगे बढ़ता है, उसके पीछे गिराने वाले या पांव खींचने वाले बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। और इसमें हम समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू है या सनातन धर्म के अनुयायी हैं, यही लोग लगे हुए हैं। आज तक हमने कभी नहीं देखा है कि किन्हीं अन्य धर्मों वाले को, या ईसाई धर्म हो, या किसी पादरी को हो, या किसी मौलवी को हो, उसके पीछे जा करके इन्होंने कभी कुछ टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि इनकी सामर्थ्यता नहीं कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें। टीका टिप्पणी करने वाले केवल सनातन धर्म को लेकर के जो आगे बढ़ रहा है, उसी के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन कितना भी लगे लोग, पराजित होना नहीं है। सत्य कभी परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। सनातन धर्म सदैव विजय था, विजय है और विजय रहेगा, और इसमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और हमारे बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, इनके ऊपर तो साक्षात कलिकाल के जो देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनकी विशेष कृपा है। उन्हीं की कृपा के द्वारा, सतगुरुदेव की कृपा के द्वारा ही वो जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, और ये विजय रहेंगे। परेशान भले हों, कर रहे लोग, लेकिन विजय हमेशा रहेंगे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। और महापुरुषों का बहुत सारे भक्तों का आशीर्वाद भी है उनके ऊपर, और महापुरुषों का आशीर्वाद है, सतगुरुदेव की विशेष कृपा उनके ऊपर है। और कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, तो हमेशा पहलवान ही रहेंगे वो, और विजय के पताका हनुमान जी का झंडा आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने एक बात और कही थी, हमने सुना था कि हम भारत को विश्व गुरु के दर्जे में देखना चाहते हैं, और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सपना ये पूरा होगा, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 राम जन्मभूमि का जब फैसला किया था, लोग यही कहते थे कि 500 वर्ष पुराना ये केस है, ये कभी इसका हल निकल ही नहीं सकता है। लेकिन उसका भी हल निकला, 370 भी हट गया, और आज राम राज्य की परिकल्पना जो महापुरुषों ने देखा था, हमारे पुराने महापुरुषों ने, वो कहीं ना कहीं आज सत्यता की तरफ जा रही है, और एक दिन सत्य होकर के रहेगा। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है महंत। सनातन धर्म पर हमला और उसे नीचा दिखाने के प्रयास तो सदियों से होते रहे हैं, वर्तमान में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, यह कहना है बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी का। आप भी सुने वह क्या बोले। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिपाटी पर विश्वास करने वाले भारत में इस समय सनातन धर्मी संतों, धर्म गुरुओं पर टीका टिप्पणी करना और उन्हें लांछित करना, उन्हें दायरे में खड़े करने का की एक श्रृंखला सी चली आ रही है, एक परिपाटी सी बन गई है। इसी श्रृंखला में एक नया नाम हमने सुना है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उनको अंधविश्वासी कह करके और उन पर टीका टिप्पणी की जा रही है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। किसी भी धर्म पर आस्था करना और विश्वास करना, ये अंधविश्वास नहीं होता। हमारे भारत की परिपाटी रही है, हमारे भारत के संत राष्ट्रवादी रहे हैं, राष्ट्र के प्रति उनके मन में भाव है, समर्पण है। आज यदि साधु समाज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ नहीं खड़ा होगा, तो यह श्रृंखला और लंबी होती चली जाएगी, ये उसका अंत नहीं होगा। और आज की हिंदूवादी सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसी श्रृंखला के अंत के लिए वह कुछ प्रयास करे, और न्यायिक समीक्षा करके जो अपराधी हैं, जो जिन लोगों ने निराधार तरीके से लांछन लगाया है, उन पर जो है कड़ी कार्यवाही करे, और साधु समाज को उसको सुरक्षा दे, क्योंकि साधु समाज गीता के उस भगवान के संकेत का पालन करता है, के लिए तत्पर रहता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। भगवान के अंश के रूप में ही हम इन्हें मानते हैं, तो संतों पर जो लांछन हो रहे हैं, इसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वह इस पर कड़ी कार्यवाही उठा करे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।
बागेश्वर वाले बाबा सनातन की ध्वज पताका उठाकर चल रहे हैं। विरोधियों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे, ये कहना है कथा व्यास आनंद शास्त्री का। आप भी सुने वह क्या बोले। सत्य सनातन धर्म की जय हो। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधिपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो वर्तमान समय में सनातन धर्म की ध्वज पताका को लेकर जो उसका शीर्ष स्थान है उसके लिए प्रयासरत है। और यही बात जो है कुछ लोगों को जिन्होंने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाकर अपना व्यापार चला रखा उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा करके पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनका ये मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। हम नैमिषारण्य क्षेत्र के समस्त ब्राह्मण साधु संत समाज अपितु प्रत्येक साधु संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं और उनके हर कदम पर साथ रह करके धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा को विश्व का गुरु जो है उसको बनाने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हमारे सनातन धर्म के धर्म धुरंधर हैं और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए हम सब धर्मानुरागी धर्म वैष्णवों को एकजुट होकर के और हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के हम सब समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करने से धर्मो रक्षति रक्षता, हम सब धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। सादर जय श्री कृष्ण। आई इंडिया के लिए नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।